बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे पास डाटा गिवन है जिसमें कुछ लोगों की उम्र गिवन है, हमें एजेस गिवन है कि 4 से 6 साल की उम्र तक की जो बच्चे हैं वो 10 हैं, 7 से 9 साल तक की जो आपके पास एज ग्रुप है वो 20 उसमें लोग आ रहे हैं, 10 से 12 तक की जो एज ग्रुप है उसके अंदर 13 लोग आ रहे हैं, 13 से 15 तक साल तक की उम्र के 7 लोग हैं आपके पास। अब हमने इस सारे डाटा की मदद से करना क्या है, एक तो हमने फाइंड करना है मीन एज। मीन एज का मतलब है अर्थमेटिक मीन, आपने फाइंड करना है। मीन का मतलब यहाँ पर भी यूज़ होगा उसका मतलब अर्थमेटिक मीन, एवरेज यहाँ पे यूज़ होगा उसका मतलब भी अर्थमेटिक मीन, यह हसाबी औसत होता है। अब हसाबी औसत जो है वो डायरेक्ट मैथड से भी निकालना है आपने और शॉर्टकट मैथड से भी निकालना है। तो पहले हम डायरेक्ट मैथड यूज़ करेंगे। तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट मैथड में ये, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा की निशानी क्या थी कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, तादाद इन्वॉल्व है। जब भी तादाद आ जाते हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो आपके पास ग्रुप डाटा बन जाता है। तो ग्रुप डाटा के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला था हमारे पास वो क्या था हिसाबी औसत का, ये था समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, ठीक है जी, सम ऑफ एफ इंटू एक्स। अब एक्स क्या चीज़ थी, एक्स इनका मिड पॉइंट था, वस्ती नुकता, तो हमें वस्ती नुकता चाहिए होगा। फिर हम एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट कॉलम में और उसका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये तो बहुत आसान सी बात है, जितने आपके पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तादाद गिवन है, आप इन सब का सम कर लें, तो ये हमारे पास समीशन एफ हमें इधर से ही हासिल हो जाता है, 10 और 20 30 और ये आपके पास आ जाएगा 50। सम ऑफ एफ तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट या वस्ती नुकता। तो 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5, वेरी सिंपल। 7 एंड 9 का हो जाएगा 8, 10 एंड 12 दिस विल गिव यू 11, 13, 15, 14, ये आ गया हमारे पास x। अब नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, तो वो हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं f और x को मल्टीप्लाई करने के। देखिए ये हमारे पास f है और ये x है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आंसर आएगा जी, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट देखें 20 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 160। आगे देखें 13 इंटू 11, ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 143। 7 और 4 14 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 98। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका सम निकालना है, तो सम ऑफ एफ एक्स, तो इनका हम सम निकाल लेते हैं तो हमें समीशन एफ एक्स जो है वो यहाँ से मिल सकता है। हमारे पास आ रहा है 451। अब हम इस सारा जो डाटा हमारे पास आ चुका है इसको हम पुट करेंगे इन द फार्मूला। तो देखें ये हमारे पास हिसाबी औसत का फार्मूला था ग्रुप डाटा के लिए, समीशन एफ एक्स यानी कि 451 डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ये समीशन एफ है हमारे पास 50। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 451 डिवाइडेड बाय 50, सो दिस आंसर इज 9.02। तो ये हमारे पास जो है इसकी एवरेज एज या हसाबी औसत, उम्र का हसाबी औसत आ चुका है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल किया, अब हम इसी को शॉर्टकट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हम इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या बिलवास्ता तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे एवरेज या हसाबी औसत। तो उसका फार्मूला सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या था ग्रुप डाटा के लिए, ये हमारे पास था हसाबी औसत का इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड के साथ, ए प्लस समीशन एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई समीशन एफ। तो ए हमारे पास क्या था जी, एज्यूम्ड, एज्यूम के लिए जिसको आप खुद से फ़र्ज़ करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इशारा दिया गया, हिंट गिवन है कि भाई ए जो है वो आपने 8 लेना है, ठीक है, वैसे आपकी मर्ज़ी होती है आप उसमें 7 6 जो भी आपका दिल करता है आप ले लें, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक आपको सहूलत दी है, एक आपको इशारा दे दिया कि ए की वैल्यू आप क्या लेंगे 8। तो ए तो हमारे पास आ गया 8, चलें ये एक मसला हल हो गया। अब जो डी है, डी कैसे हासिल होगा, तो डी आप जानते हैं कि इसको आप फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए, डेविएशन, फ़र्क एक्स माइनस ए। तो वस्ती नुकता पहले हमें चाहिए होता है, वस्ती नुकता हमने अभी पीछे जब हम डायरेक्ट के लिए सॉल्व कर रहे थे तो हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो एक्स तो हमारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड करना है डी, डी है एक्स माइनस ए, तो इसको फाइंड कर लेते हैं, डी इज़ एक्स माइनस ए, इट्स वेरी सिंपल, 5 - 8, ए आपको गिवन है 8, क्वेश्चन के अंदर इशारा मौजूद है। सो 5 - 8 का आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, -3, देन 8 - 8 दिस विल बी 0, 11 - 8 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3,
एंड 14 माइनस 8 दिस विल आंसर अस एज 6। तो इस तरह से हमने यहाँ से डी को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमें चाहिए दिस इज़ एफ डी, कि आप देख सकते हैं फार्मूला के अंदर एफ डी, तो फ्रीक्वेंसी या तादाद को हमने मल्टीप्लाई करना है विद दिस डी। तो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 10 है आपके पास, तो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा माइनस 30, 20 मल्टीप्लाई बाय 0 दिस विल बिकम 0, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा 39 और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा 42। तो इस तरह से हमने देखें एफ डी भी फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए समेशन एफ डी, तो हम इसका सम ले लेते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ एफ डी, तो आप इन सब को आपस में टोटल कर लें। इसका सम हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 51, सो वी हैव 51। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इन द फार्मूला, तो हिसाबी औसत का फार्मूला हमारे पास आ रहा है ए, ए आपके पास 8 था, प्लस समेशन एफ डी वो हमारे पास आ रहा है 51 डिवाइडेड बाय 50। तो अब हम 51 को डिवाइड कर लेते हैं 50 के साथ, तो 51 डिवाइडेड बाय 50 दिस विल आंसर इज 1.02, तो ये आ जाएगा 1.02, सो आंसर इज 9.02। तो ये नियर अबाउट उसी के आ रहा है जो हमने अभी निकाला था अर्थमेटिक मीन या हिसाबी औसत डायरेक्ट मेथड के साथ, तो इनडायरेक्ट मेथड से भी आंसर तकरीबन वही आ रहा है। अब हम इसी डाटा को यूज़ करते हुए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अब इसी डाटा को यूज़ करते हुए हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन को उर्दू में कहते हैं अकलीदी औसत। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट इफ़ यू आर अवेयर कि व्हाट इज़ द फार्मूला, तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है स्टैट्स को सॉल्व करना। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये क्या होता है, दिस इज़ एंटी लॉग, इसके अंदर लॉग भी इन्वॉल्व होगा आपके पास, समेशन एफ एंड लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो आपके पास डिवीजन में हमेशा एक ही चीज़ आती है, ठीक है जी। यहाँ पे टर्म्स चेंज होती रहती हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें देखें जो एक्स है ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो अब इसका हम यहाँ पे जो कॉलम है यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स जो है आपने कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करनी है, आपको कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, इसका यूज़ आप करें, और टेबल आमतौर पर अवेलेबल नहीं होता। तो अब इसमें देखें 5 है, तो 5 का जो लॉग हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 0.6989, तो 0.698, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 699। इस तरह से आप देखें आगे आपके पास 8 है, तो लॉग ऑफ 8 हम फाइंड कर लेते हैं, तो लॉग ऑफ 8 हमारे पास आ जाएगा 0.903, तो 0.903। नेक्स्ट हमारे पास देखें 11 आ रहा है, तो अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.041। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 14, तो अब हम 14 का लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 14 दिस बिकम्स 1.146, सो 1.146। ये देखिए हमने लॉग ले लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉलम होना चाहिए, एफ लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि ये एफ लॉग ऑफ एक्स का हमें सम भी चाहिए होगा फिर उसके बाद, तो यहाँ पे हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे एफ लॉग ऑफ एक्स। तो देखें तादाद या फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6.99। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो कर लेते हैं 0.903 मल्टीप्लाई 20, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 18.06। उसके बाद आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, सो 13 मल्टीप्लाई 1.04 दिस इज 13.52। नेक्स्ट में हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 मल्टीप्लाई 1.146, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 8.022। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू लॉग ऑफ एक्स, तो हम इसका समीशन निकालेंगे, समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स, तो इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। दिस इज 46.659 आ रहा है, इसको मैं 6 ही लिख देता हूँ, 60। तो ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू लॉग ऑफ एक्स आ चुका है, सो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ
इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 46.60 डिवाइडेड बाय 50। तो आप इसको कर लें डिवाइड, सो दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 50 और आंसर आ रहा है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.9318। अब हम लेंगे इसका एंटी लॉग। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं तो फिर इसका जो हमारे पास है आंसर, वो हमारे पास इसका ज्योमेट्रिक मीन के बराबर हो जाएगा। सो यू कैन टेक द एंटी लॉग, हमारे पास आ रहा है 8.54 के करीब। तो 8.54 या 8.55 ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक मीन या अकलीदी औसत हमने निकाल लिया। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला याद होगा तो आप इसके टेबल्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब हमें इस क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा हल करना है और वो है हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत को फाइंड आउट करना। तो अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड द फार्मूला। तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है इसको आप एच एम से लिखते हैं आमतौर पे। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसके पास, समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स। अच्छा, ये आपका वाहिद फार्मूला है जिसमें आपके पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये ऊपर होता है। सो दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऊपर होता है। ठीक है, बाकी जितने भी फार्मूले थे, शॉर्टकट मेथड था, डायरेक्ट मेथड था या हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन था, उन सब के अंदर जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा नीचे आता है, लेकिन हार्मोनिक मीन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऊपर चला जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें आप f ओवर x करेंगे। x आपके पास क्या है जी, ये मैं सॉरी स्मॉल x लिख देता हूँ, ये कैपिटल x ही होता है। ये असल में हमारे पास क्या था, मिड पॉइंट या वस्ती नुक्ता। तो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हुए हैं। तो हमें इसमें सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी, वो है f ओवर x, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी ऑलरेडी नो, ये हमारे पास पहले से मौजूद है, ये 50 है हमारे पास। लेकिन एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा f ओवर x का। तो यहाँ पर हम f ओवर x को फाइंड करेंगे। अब देखें फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी, 10 एंड दिस इज़ 5, सो 10 बाई 5, सो इट्स आंसर इज 2। नेक्स्ट वी हैव 20 बाई 8, आप इसको डिवाइड कर लें, इसका आंसर आपके पास 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 13 बाई 11, f देखें हमारे पास 13 था, तो 13 बाई 11 आप इनको डिवाइड करें साथ साथ, सो वी गेट 13 डिवाइडेड बाई 11, 1.18 आ जाएगा आपके पास। देन वी हैव 7 डिवाइडेड बाई 14, f डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब हम इन सबको कर लेंगे आपस में ऐड, सो वी गेट 6.18। तो जब हम इसको सम करेंगे, सम ऑफ एफ ओवर एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, 6.18। तो इस डाटा को हम पुट करेंगे इन द फार्मूला, हार्मोनिक मीन हमारे पास आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये हमारे पास 50 है और सम ऑफ एफ ओवर एक्स ये आ रहा है हमारे पास 6.18। तो अब हम 50 को डिवाइड कर लेते हैं 6.18 से। तो हार्मोनिक मीन जो है ये हमारे पास आ रहा है 8.09 के बराबर। तो जिस तरह से हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था, दैट वाज अबाउट 8.02, ये ऐसी राउंड अबाउट की वैल्यू थी। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे मीन्स हैं, चाहे ज्योमेट्रिक है, चाहे अर्थमेटिक है, चाहे हार्मोनिक है, तो ये क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल वैल्यू की तरफ अप्रोच करते हैं, तो सेंटर जो है वो 8 point something की राउंड अबाउट ही वैल्यू रहेगी इस डाटा के लिहाज से। तो क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, तो इन जितने भी हमारे पास तरीक़ाकार मौजूद हैं, इनकी मदद से हम वस्ती वैल्यू तक, वस्ती रकम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।